बॉलीवुड सिंगर मनु खरे और आर्टिस्ट राखी शर्मा का जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज हुआ सॉन्ग झुट्टी फरेबी इन दिनों खूब धूम मचा रहा है। सॉन्ग झुट्टी फरेबी को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में शूट किया गया है। प्रमोशन के लिए सॉन्ग के आर्टिस्ट मनु खरे और राखी शर्मा सोमवार को भोपाल पहुंचे, जहां मृदुभाषी के संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान ने उनसे बातचीत की। एक्चुअली अभी नया सिंगल हमारा आया है, उसका नाम है झुट्टी फरेबी और ये 4 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ है, तो होप के सभी लोगों को पसंद आ रहा है। अभी जस्ट रिलीज़ हुआ वो। किस प्लेटफॉर्म पर आया? जी म्यूज़िक ने से रिलीज़ किया है। अच्छा, इसके गाने कितने लिखे और इसमें शूट कहाँ कहाँ किया आप लोगों ने इसको? इसमें जो लिरिक्स है वो मेरे बड़े भाई ने लिखा है और म्यूज़िक मैंने और भैया ने दोनों ने साथ में मिलकर किया है, सत्या जी जो मेरे बड़े भाई हैं। और इसका जो शूट हुआ है वो शिमला में हुआ है, शिमला में इसका सारी जगह। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली छतरपुर का हूँ, खजुराहो आपने सुना होगा, और अभी हमारी सिंगल्स पे काम चल रहा है, म्यूज़िक पे। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश से ही? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए सिंगल रिलीज हुआ 4 अक्टूबर को, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको लोगों का? अच्छा है, लोगों का प्यार है, पहले भी हमने गाने किए हैं तो लोगों का बड़ा सपोर्ट मिला है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं। झुट्टी फरेबी गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, उसके लिरिक्स को, उसके टाइटल को और उसके शूट को, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मध्य प्रदेश से अपने शूट शिमला में किए, कि बाहर से लोग मध्य प्रदेश में शूट करने आ रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में शूट का इरादा है? बिल्कुल, ये पहले भी कई बार ऐसे सवाल रहा है कि लेकिन इसके पहले मैंने जो गाने किए थे वो मैंने मध्य प्रदेश में भी किए हैं, तो ये मध्य प्रदेश से करने के बाद मैंने अभी ये शिमला में शूट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में तो मैं शूट करना चाहता हूँ, लेकिन इंडिया में जहाँ भी अच्छी लोकेशंस है उसको मैं शो करना चाहता हूँ अपने वीडियो। सिंगिंग के लिए मैं मुंबई गया, पहले मैं छोटे प्लेटफॉर्म पे करता था, जो कंपटीशन होते थे उस पर मैंने काम किया और छोटे स्टेज पर मैं विनर रहा। फिर उसके बाद मैं मुंबई गया, मेरे जो बड़े भाई हैं सत्या करे वो मुझसे पहले चले गए थे और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो भी एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और उनके साथ मिलके मुझे जो सपोर्ट मिला तो मैंने धीरे धीरे अपना काम करना स्टार्ट किया और अभी मैं मेरा ये एक नया सिंगल झुट्टी फरे भी आया आप लोग के सामने। अरे यार, सॉन्ग तो बहुत ही ब्यूटीफुली शूट हुआ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। हम लोग वैसे हमारा स्केड्यूल 2 दिन का था पर थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, और शिमला इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। हिमाचल प्रदेश आने का मन नहीं हो रहा था, लोकेशंस बहुत ब्यूटीफुल थे। हमने एक तो हमारा जो मेन जो हमारा मोंटाजेस शूट हुए थे वो हुए थे बहुत ही हाइटेड, आई गेस इट वाज 18,000 फीट का कुछ, हाटू में एक जगह है वहाँ पे हमने शूट किया, पूरा क्लाउडी क्लाउड थे और इट वाज अनरियल एक्सपीरियंस फॉर मी। आई वाज सो हैप्पी शूटिंग देयर एंड या इट वाज जस्ट यू नो सिंगल, तो क्या होता है जैसे इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, फॉर आर्टिस्ट के लेवल पे देखा जाए तो हमने शूट किया जी म्यूज़िक के लिए, और सॉन्ग बड़ा ब्यूटीफुल था एज़ यूजुअल। आप ऑलरेडी मेरे 2-3 इंटरव्यूज़ दे चुके हो, अलग अलग लेबल के लिए हमने किए थे, तो ये भी इसका सॉन्ग बहुत अच्छा था, म्यूज़िक इतना अच्छा है कि आप एक बार सुनेंगे तो आपके मुँह में याद ही हो जाएगा वो सॉन्ग। तो हमने इवन शिमला में जब हम शूट कर रहे थे वहाँ पर सारे लोग गा ही रहे थे वो गाना, और 4-5 दिन तक तो हमारे मुँह से निकल रहा था, सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है। अभी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सॉन्ग का? रिस्पॉन्स इज रियली वेरी ब्यूटिफुल। लोगों को एक्चुअली लोगों को वही पसंद है बॉलीवुड और ये सब चीज़ें, तो हमने इस बार थोड़ा कुछ नया भी ट्राई किया कि हम थोड़ा बॉलीवुड एंड फैंसी लेवल पे कुछ बनाएं, एंड रिस्पॉन्स भी उसी अकॉर्डिंगली मिल रहा है क्योंकि सॉन्ग इज़ रियली वेरी प्रिटी एंड लोकेशंस बहुत ब्यूटिफुल थे, हम लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़ा आया शूट करके, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।